अस्सलाम वालेकुम। दौड़ने वाला पत्थर। बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमे आम में गुस्ल किया करते थे, यानी बिल्कुल नंगे होकर खुल्लम खुल्ला गुस्ल किया करते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पले बढ़े, लेकिन वो कभी भी नंगा नहीं नहाते थे, क्योंकि वो एक नबी थे और उनको ये चीज़ गवारा भी नहीं थी। लेकिन जब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी नंगे नहीं हुए, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के उस जगह पर या तो अंदरूनी जगह पर या तो बर्स है या कोई ना कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये सबके सामने नंगा होकर नहीं नहाते। जब मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला तो मूसा अलैहिस्सलाम का बिल्कुल नाजुक दिल बहुत ज़्यादा सदमे में आ गया। अल्लाह तबारक व तआला को कब गवारा होता कि उसका बरगुजीदा नबी इस रंजो गम में मुबतला हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम नहाने गए और पहाड़ों के दामन में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल करने के लिए गए। बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच एक जगह थी, झरना था, वहाँ नहाने गए और उन्होंने कपड़े अपने उतार कर सारे एक पत्थर पर रख दिया और वो नहाने चले गए। जब नहाकर वापस आए तो और पत्थर पर से अपना वो जो कपड़ा था उठाना चाहा, तो वो पत्थर क्या करने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, सरपट चला जा रहा था। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम भी पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, सो बी हजर, यानी ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर के पीछे दौड़ते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न व जमाल में इस कदर नुक्ते कमाल को पहुंचा हुआ था कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। मुहाल यानी नामुमकिन है। चुनांचे बनी इसराइल के इस के हर फर्द की ज़ुबान पर यही जुमला था, वल्लाहि मा बिमूसा मन बास, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल बेऐब है। जब यह पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बराअत का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और उस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख दिया। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान बाब 20 जिल्द 2 सफ़ा नंबर 442। अस्सलामु अलैकुम।